ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि हिंदुस्तान के 90% मुसलमान कह रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका की कतई कोई जरूरत नहीं है। अगर जाना जरूरी है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, आप यहाँ हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए। जो हो चुका सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमाम मुसलमानों ने ये कहा था कि जो भी फैसला होगा वो कबूल किया जाएगा, उस बात से बोर्ड को अपना नहीं बदलना चाहिए। और जो लोग भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ख़ास तौर से अगर मुसलमान कोई इस फैसले की मुखालफत करता है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप पहले ये कह चुके थे कि बोर्ड का जो कोर्ट का जो फैसला होगा वो कबूल होगा, तो फिर अब मुखालफत करने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो अपना एतबार खोने का काम कर रहे हैं, पुनर्विचार याचिका में जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर जाएंगे तो ऐसे लोगों का विरोध किया जाएगा, ऐसे लोगों का बायकॉट किया जाएगा। ये मुसलमानों के नुमाइंदगी और मुसलमानों की क़यादत वाला बोर्ड नहीं है। इन लोगों को अपने फैसले पर एक बार फिर गौर करना चाहिए। इस बारे में आप कह रहे हैं जी, 5 एकड़ जमीन लें या नहीं लें फैसले के मुताबिक। 5 एकड़ जमीन का जहां तक ताल्लुक है, मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को जमीन दान में लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारी मस्जिद हर जगह नहीं बन सकती। हमारी मस्जिद बनाने के कुछ मानक हैं, उन मानकों को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो ज़मीन लेना कोर्ट के आदेश के मुताबिक ज़रूरी हो तो हम इस शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हैं। बोर्ड से भी मैंने ये बात कही है, वक्फ बोर्ड से भी ये बात कही है कि अगर ज़मीन लेना ज़रूरी हो तो कम से कम मिनिमम मुआवजा चाहे दें, लेकिन बिना मुआवजे के ली हुई ज़मीन पर मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती, ये शरई हुक्म है। तो ज़मीन वो 5 एकड़ अगर लेना है तो इतनी बड़ी मस्जिद तो नहीं बनाई जा सकती, मुआवजा देकर बाकायदा खरीद की जाए, बाकायदा रजिस्ट्री हो, उस पर मस्जिद भी तामीर कराइए और फलाह के और जो बेहतर काम हो सकते हैं, जनहित के और जो बेहतर काम हो सकते हैं वो उस पर किए जाने चाहिए।